नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। जो नफरत भी होगी मित्रों तो बदल जाएगी प्यार में। जी हाँ मित्रों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर आपसे दूर जा रहा है, आपसे नाराज है, रुष्ट है, आप उसे किसी भी सूरत में मनाना चाहते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, उसे अपने करीब पाना चाहते हैं, परंतु वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति के आकर्षण में आ गया हो, या वो आपसे किसी बात पर नाराज हो, रुष्ट हो गया हो और आपको छोड़ना चाहता हो, या उसके प्यार में कमी आ गई हो, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है। कोई भी किसी के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई साथी, कोई मित्र, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस शक्तिशाली उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन और किसी भी समय, जब भी आपके पास उचित समय हो, खाली समय हो, आप एक स्थान पर बैठ जाएं। जब आप बैठेंगे तो बैठते समय अपनी दिशा या तो आप पश्चिम की रखेंगे या पूर्व की रखेंगे। कहने का अर्थ है, या तो वेस्ट की ओर मुख करके आपने बैठना है या फिर ईस्ट की दिशा में आपने मुख करके बैठना है। कोई भी आसन कपड़ा आप बिछा लें, उस पर ही बैठें, पालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठें। आपने क्या करना है, एक लाल रंग का कोई पेन या स्केच पेन ले लेना है और जब आप बैठेंगे उससे पहले अपने हाथ, मुंह, पैर अच्छे से एक बार धो लें। स्नान किया हुआ है कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब बैठ गए, आपने अपनी, जैसे कि वीडियो में दिखाया है, उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, उस पर आपने नंबर 9 लिख देना है ऊपर, जैसा कि दिखाया हुआ है। इतना पहले आप करें, उसके बाद आपने जो लिखने वाली वस्तु है एक दिशा में रख देनी है, जो 9 लिखा है उसके ऊपर अपने सीधे हाथ का अंगूठा लगा दें। उंगली को सामने ऊपर की तरफ ही रखें, अंगूठा लगा दें, यानी ढक लें उस 9 को, और उसके बाद आंखें बंद करें, सोचें इस व्यक्ति को जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं। जब आप उसे ठीक प्रकार से सोच लें तब आपने अंगूठा हटा लेना है, यानी साधारण अवस्था में आ जाए। ये जो उंगली है ये ऐसे ही रहेगी ऊपर की तरफ, जैसा वीडियो में दिखाया गया है, आपने ऊपर की तरफ, अपने सामने की तरफ ऊपर रखनी है, और उसके बाद आँखें आप बंद ही रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और एकांत में उपाय को करें, बिल्कुल बंद कमरे में। आपने यह सुनिश्चित कर लेना है कोई भी विघ्न डालने वाला इंसान आपके आसपास ना हो। अब आप क्या करेंगे, एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र का उच्चारण आपने 7 बार करना है। मंत्र को बड़े आराम से बोलें, जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल उस प्रकार से आपने बोलना है। सरल सा मंत्र है, मंत्र को पहले ही याद कर लेंगे तभी आपने उपाय के लिए बैठना है। ओम हूं क्लीं अमुक वश्य, ओम हूं क्लीं अमुक वश्य। ये आपने 7 बार बोला। अमुक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका पहला नाम, जो फर्स्ट नेम होता है, वो ले लेना है, जो पुकारने वाला नाम होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो उंगली है, इस उंगली को जो लिखा हुआ है वो आप मिटाएंगे नहीं। आपने इसे रात को सोने से पहले, जब आप बिस्तर पर जाएंगे, उससे पहले मिटाना है। आप काम कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जानबूझकर आप इसे बिल्कुल ना मिटाएं। जो लिखी हुई संख्या है 9, उसे जानबूझकर आपने नहीं मिटाना है। रात को सोने से पहले इसे ठीक प्रकार से साफ कर दें। ये आपने सरल सा कार्य मित्रों कर लिया। बस आपने जिस व्यक्ति के लिए भी इसे किया है वो आपके पास सिर्फ 5 घंटे में इतना बेचैन हो उठेगा, तड़पेगा आपके लिए, कि खुद आपके पास चला आएगा। मित्रों, आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।